प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम लूका 2 अध्याय से वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पक्कुंडों को एक जोड़ा का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में शमून नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से पार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशीर के कोद्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को न छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह इस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे यीशु की व्यवस्था के प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे जब यीशु मसीह जब उनको खतना कराने के लिए जब मंदिर में ले जाते हैं, शिमयोन और हन्ना जो हैं उन पर भविष्यवाणी करते हैं और प्रभु के वचनों को बोलते हैं, तो यहाँ पे कई बातों को हम देखते हैं जो बहुत अद्भुत है, और एक एक करके हम इन बातों को देखेंगे। पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे सुपर नेचुरल जो अलौकिक बातों का वर्णन यहाँ पे हुआ है। यीशु मसीह के नाम रखने के विषय में कहा है कि जो स्वर्गदूत ने ये नाम जो दिया था यीशु मसीह के जन्म से पहले ही, वो नाम उन्होंने रखा। तो ये कितना एक सुपर नेचुरल बात है कि एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने वो नाम, हम जानते हैं ना कि कैसे जो गैब्रियल जो स्वर्गदूत आता है मरियम के पास और
वो नाम देता है यीशु और वो नाम वो रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जब वो मंदिर जाते हैं अपनी शुद्धि करने के लिए मूसा के नियम के अनुसार, वहाँ हम देखते हैं कि शिमियोन जो है एक इंसान से उनकी मुलाकात होती है जो प्रभु की आत्मा से चलाया जाता है। अभी हम लोग सभों ने प्रभु की आत्मा को पाया है और हम अन्य भाषा बोल सकते हैं, हमने नया जन्म भी पाया है और हमने जो हम पवित्र आत्मा का के बपतिस्मा बोलते हैं वो भी हमने पाया है। मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरे हुए हैं, मतलब वो हमारे आत्मा में हमेशा निवास करते हैं। लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं ऐसा नहीं था। पवित्र आत्मा कुछ लोगों के द्वारा बोलते थे और वो निवास नहीं करते थे क्योंकि तब जो है हम देखते हैं कोई भी नया सृष्टि नहीं बना था, क्योंकि यीशु मसीह तब क्रूस पे मरे नहीं थे। तो पवित्र आत्मा उसके बाद ही हम देखते हैं दिए गए यीशु मसीह के बलिदान के बाद। तो ये जो है उस समय से पहले है। तो भी हम इतनी एक अद्भुत बात यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि जब वो मरियम और यूसुफ आए मंदिर में तो सिमियोन भी वहाँ आत्मा के सिखाए जाने से वहाँ मंदिर में गया। तो ये पढ़ के हमको लगता है कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए आज कि हम आत्मा से सिखाए जाएं। उस समय का एक इंसान जो जब पवित्र आत्मा दिए भी नहीं गए थे तब उस समय का कोई प्रभु को मानने वाला ही अगर आत्मा के सिखाए वैसे ठीक समय पे ठीक जगह पे ठीक समय पे एक ठीक जगह में रह पाया तो हम कितना ज़्यादा इससे हम इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा से चलाए जाएं। हम प्रभु की इच्छा को तब भी पूरा कर पाएंगे पूरी तरीके से जब हम आत्मा से चलाए जाएंगे। तो कई सारे मसीही लोग हैं जो आत्मा से चलाए नहीं जाते हैं, उनको भी प्रभु चलाते हैं, उनको भी प्रभु अपनी कठिनाई से निकालते हैं, उनको भी प्रभु अगुवाई करते हैं, लेकिन वो जो परफेक्ट तरीका नहीं है। सबसे जो सिद्ध और सबसे उत्तम तरीका जो है बोल सकते हैं आत्मा से हम चलाया जाना। यहाँ पे हम देखते हैं इस घटना में कि दोनों अनहन्ना और शिमियोन उसी समय वो आत्मा के प्रभाव से वहाँ आते हैं जब यीशु मसीह बेबी जीसस को वहाँ लेके आते हैं उनके उनके मम्मी पापा। तो और दोनों जो है वो भविष्यवाणी करते हैं आत्मा से। तो कितना हमको ये कितना ज़्यादा और भी हमको इससे एक हमारे अंदर एक इच्छा जगनी चाहिए कि हमको भी प्रभु की आत्मा से चलाया जाना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि प्रभु की आत्मा उन पे था, शिमियोन पे प्रभु की आत्मा था और वो प्रभु के जो मसीहा के आगमन का वो इंतज़ार कर रहे थे हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ ये भी लिखा है वर्स 26 में कि पवित्र आत्मा ने उनको प्रकट किया था कि वो तब तक नहीं मौत को देखेंगे जब तक उन्होंने मसीहा को नहीं देखा है। तो इतना कुछ प्रगटीकरण उनको था, प्रभु से उनको उनका संबंध था, प्रभु उनसे बात करते थे, वो प्रभु को सुन पाते थे। कितनी बातों को आज प्रभु हमको प्रकट करेंगे कि जब हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। तो एक दुख की बात है कि हमारे आजकल के समय में लोग इतने अपने काम और अपने फ़ोन और अपने सारी चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु से सुनने को कई लोगों को समय ही नहीं मिलता है। तो प्रभु से सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
कि प्रभु हमसे बात करें, प्रभु ऐसे चिल्लाएंगे नहीं, वो बहुत धीमी आवाज़ में हमसे बात करते हैं। तो अगर हम पूरी तरह यहाँ वहाँ भागते रहेंगे हमेशा, तो हम ज़रूर उस धीमी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे सिमियोन ने इस आवाज़ को सुना, इतना एक अनमोल सच बात उनको प्रकट किया गया कि वो यीशु मसीहा को वो देखेंगे। तो वो तुरंत ही पहचान गए आत्मा से कि यही वो बच्चा है जो मसीहा है, और वो भविष्यवाणी करते हैं। इसके अलावा हम और एक अद्भुत चीज़ यहाँ देखते हैं, जो हन्ना, जिसको बाइबल यहाँ कहता है कि वो भविष्य व्यक्तिनी थी, और वो हमेशा मंदिर में रहती थी और आराधना करती थी, उपवास रखती थी और प्रार्थना करती थी दिन रात। और यहाँ पे लिखा है कि उसके बारे में लिखा है कि वो भविष्य व्यक्तिनी थी, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है कि उसने कुछ कहा यीशु मसीह को देख के। पर ये ज़रूर लिखा है यहाँ कि उसने प्रभु को धन्यवाद किया, और केवल ये ही नहीं, जो भी यरूशलेम में उस वक्त यीशु के आने का, मसीहा के आने के इंतज़ार में थे, उनको उसने इस बात को बताया कि मसीहा जो है आ गया है, वो पैदा हो गया है। तो इसमें कहीं एक अद्भुत बात को हम देखते हैं। पहले तो कहीं लोग मानते हैं कि जो सिस्टर्स लोग हैं, जो जो स्त्री हैं, उनको कुछ भी नहीं कहना चाहिए चर्च में, भविष्यवाणी नहीं कहनी चाहिए, किसी को उनको कुछ बोलना नहीं है, उनको अब हमेशा शांत रहना है, क्योंकि पॉलस के कुछ कहे गए बातों को का गलत जो मीनिंग निकाल कर, गलत अर्थ निकाल कर ऐसा कहा जाता है यहाँ पे। जबकि यहाँ कलिशा का युग शुरू भी नहीं हुआ था, यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, वो यीशु को देखती है और सबको बताती है, जो भी इंतज़ार में थे यीशु मसीह के आगमन का, उनको जाके उसने बताया। तो प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, और केवल यही नहीं, वहाँ मंदिर में वो हमेशा रहती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी। तो उस समय ही अगर एक स्त्री को प्रभु ने उस तरह अपने पास आने का की अनुमति दी, वो प्रभु की सेवा कर पाई, वो एक भविष्यवक्तिनी थी करके बाइबल कहती है, और वो भी पहचान गई कि ये कौन है, तो कि यीशु वो मसीहा को उसने देखा है। तो हम भी आज किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम ये नहीं कर सकते। और यहाँ ये भी लिखा कि वो विधवा थी। तो कई लोग ये भी समझते हैं मसीह समाज में कि अपने हस्बैंड्स की सेवा करके ही तुम प्रभु की सेवा कर सकते हो, जो लेडीज़ हैं, जो स्त्री हैं। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है कि ये तो विधवा थी, कई साल ये विधवा थी, लेकिन वो प्रभु की सेवा हमेशा करती रहती थी। तो प्रभु की सेवा करने के लिए जब हमारे पास दिल होगा, तो हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, जैसे शिमियों ने सुना, और जैसा हन्ना प्रभु के साथ हमेशा रही, वैसे प्रभु के साथ हम रहेंगे। प्रभु हमको ठीक समय पर ठीक जगह ले आएंगे। तो पूरी तरीके से हम प्रभु पे निर्भर रह सकते हैं इस चीज़ के लिए। अपने पे जब हम निर्भर रहेंगे, अपने घमंड को हम रखते रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे, तो कैसा भी हमारा लाइफ हो, जैसे यहाँ पे ये 7 साल के बाद ही विधवा हो गई थी, तो उस समय और हम जवानी में शादी हो जाती थी, तो बहुत छोटी थी तब भी वो विधवा हो गई थी, लेकिन प्रभु ने उसको इतना एक सुंदर मौका दिया कि वो यीशु मसीह को ना बस देख पाई, यीशु मसीह के बारे में वो बता पाई कई लोगों को। और शिमियोन को भी मरने से पहले प्रभु ने ये मौका दिया, क्योंकि वो प्रभु की जो उद्धार के इंतज़ार में था। तो जब हम प्रभु के इंतज़ार में होते हैं, तो ज़रूर हम प्रभु हमसे बातें करते हैं, वो अपने प्लान्स और अपनी योजनाएं ज़रूर हमको बताते हैं। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता,
पिता, हम जब तेरी आवाज़ को सुनते हैं, जब हम इंतज़ार में रहते हैं, तब ज़रूर तू बातों को प्रकट करता है हमसे तू बातें करता है पिता। हम आज अपने घमंड में नहीं बैठे रहे, हम अपने दुख और निराश में नहीं बैठे रहे, पर जैसे हन्ना हमेशा प्रार्थना में रहती थी, उसको इतना सुंदर मौका मिला कि वो प्रभु यीशु को देख पाई, केवल नहीं लेकिन यीशु के बारे में वो दूसरों को बता पाई। तो हम भी उसी तरह पिता तेरे बारे में लोगों को बताएं, हम हमेशा तेरी आवाज़ को सुनते रहें और हम तेरी योजना को पूरा करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।